अगली खबर है कोरोना टीके से जुड़ी, जो आपको आश्चर्य में भी डाल सकती है। कोरोना का टीका लगाने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब एक ग्रामीण अपने 3 पालतू कुत्तों को लेकर पहुंचा और कुत्तों को टीका लगवाने की जिद करने लगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह टीका कोरोना संक्रमण से मनुष्यों को बचाने के लिए है, इसे जानवरों को नहीं लगाया जा सकता। नशे में होने की वजह से ग्रामीण दुर्व्यवहार करने लगा और हाथापाई पर उतर आया। इससे नाराज स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। वनांचल ग्राम अजगर बहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को स्वास्थ्य अमला कोरोना टीकाकरण में जुटा हुआ था। इसी दौरान एक ग्रामीण 3 पालतू कुत्तों के साथ अस्पताल पहुंच गया और कुत्तों को भी वैक्सीन लगवाने की जिद करने लगा। इससे स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी हैरान रह गए। उन्होंने उसे समझाया कि टीका मनुष्य को लगाया जाना है, पर ग्रामीण अपनी बात पर अड़ा रहा, जिससे कि विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई की उस ग्रामीण ने। बाद में किसी तरह ग्रामीण को अस्पताल से बाहर निकाला गया, फिर भी ग्रामीण गाली गलौज करता रहा। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद कर दिया और अस्पताल के बाहर सुरक्षा की मांग को लेकर बैठ गए हैं। घटना की शिकायत बालको पुलिस में लिखित में दर्ज कराई गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी दिनेश कुमार धनगढ़ ने बताया कि ग्राम माखुर पानी निवासी रामायण सिंह अपने 3 पालतू कुत्तों को लेकर आया था और उन्हें टीका लगाने की मांग करते हुए अस्पताल कर्मियों के साथ गाली गलौज व मारपीट उसने की है। रामायण शराब के नशे में धुत था। इसके पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है। कई ग्रामीण आकर गाली गलौज करके चले जाते हैं। इससे स्वास्थ्य अमला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मामले की शिकायत बालको थाने में की गई है। अस्पताल प्रभारी धनगढ़ का कहना है कि स्वास्थ्य अमला जनता की सेवा में लगा हुआ है, इसके बाद भी कुछ ग्रामीण अभद्रता के साथ गाली गलौज करते हैं। इसके पहले भी जब कोरोना का टीका लगाने गांव जाते थे, तब कोरोना को लेकर फैली भ्रांतियों के कारण कई बार ग्रामीण विरोध कर चुके हैं। एक ग्रामीण ने फरसा लेकर स्वास्थ्य अमले पर हमला तक कर दिया था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अमला सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता की सेवा वो कैसे करेंगे। उन्होंने शासन प्रशासन से सुरक्षा के लिए मदद उपलब्ध कराने की मांग करी है।